हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश विंग्लिश में। और आज मैं आपके लिए आइडियम एंड फ्रेसिस एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज़ लेके आया हूँ। इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स वाइज तो नहीं है, बट सब मिक्स है, तो मिसलिनियस आप इसको एक तरीके से मान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। अब पहला वर्ड हमारे सामने आता है एटोलिएट। तो एटोलिएट का मतलब होता है मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एटोलिएट के अंदर एंड में लेट आ रहा है। तो इमेजिन करिए कि आप घर पे लेट पहुँचे, और जब आप अपने गेट पे पहुँचे घर के, तो वहाँ पे आपकी मम्मी ने गेट खोला और आपके ऊपर टॉर्च से लाइट डाली, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो रहा है उस वक्त। तो उसके बाद आपका जो शरीर था वो पीला पड़ गया। पेल मतलब होता है पीला पड़ जाना। तो आपका शरीर था पीला पड़ गया, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा हक्के बक्के हो गए एकदम से, जब रात को आपकी मम्मी ने गेट खोला। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड आता है गो फॉर जगलर। गो फॉर जगलर का मतलब होता है अटैक ऑल आउट। तो इसके अंदर आप जगलर के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर एक JUGU जग्गू बन रहा है। तो जग्गू दादा आपने सुना ही होगा, मूवीज़ में बहुत फेमस है जग्गू दादा। तो जो जग्गू दादा हैं, जब वो आए तो उन्होंने सबको ऑल आउट कर दिया, क्योंकि वो बदला लेने आए थे। और जग्गू दादा एक तरीके से आप उनको नेगेटिव भी में ले सकते हैं, जो चोरों के सरदार हैं। तो वो सबको जब जैसे ही आए, उन्होंने सबको ऑल आउट कर दिया, सबको मार डाला। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। तो एम्प्यूटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो AM बन रहा है, और AM का मतलब क्या होता है, मैं। तो आप इसके अंदर इसको IM कह सकते हैं। तो इसके अंदर आप कहेंगे कि मेरे लिम्स फूट गए थे, इसीलिए वो निकाल लिए गए हैं। IM से मेरे, और PUTE से फूट, फूट और लिम्स, मेरे लिम्स फूट गए थे, इसीलिए वो निकाल लिए गए हैं। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको जब भी ये आपके सामने आएगा पेपर में। अगला वर्ड आता है हमारे पास वर्बोस। तो वर्बोस का मतलब होता है अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर अगर आपको याद होगा कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उनके पास बोलने की कला थी, और वो उनके पास बहुत वर्ड्स हैं जिनको वो यूज़ करते थे अपनी स्पीच के दौरान। तो तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वो बातों से भरे हुए थे, ही इज़ फुल ऑफ वर्ड्स। अगला वर्ड आता है हमारे पास फेटलिस्ट। अब फेटलिस्ट के अंदर इसका मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन पावर ऑफ फेट, जो भाग्य में विश्वास रखता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि FATT, तो इसका मतलब होता है मोटा, और TALI का मतलब होता है टल्ली, जो इंसान पी के टल्ली हो जाता है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो एक आदमी है वो पी के टल्ली हो गया, और वो अपने भाग्य पे विश्वास कर रहा है कि आज तो मैं टल्ली हो गया, बट कल मैं वो जो मोटा आदमी है, कल मैं टल्ली नहीं होऊंगा। तो वो क्या कर रहा है, वो बिलीव कर रहा है अपने भाग्य पे कि वो आज टल्ली है बट कल नहीं होगा। बट जैसे कि आपको पता है कि ये वो फिर टल्ली होगा। अगला वर्ड आता है हमारे पास सेलिब्रेट। सेलिब्रेट को हम कैसे याद रख सकते हैं, इसका मतलब होता है हु डज नॉट मैरी, जो मैरी नहीं करता, जो शादी नहीं करता पूरी ज़िंदगी भर। तो सेलिब्रेट को आप याद कर सकते हैं सलमान खान से। जब भी हम सेलिब्रेट देखते हैं तो हमारे पास सेलिब्रिटी के अंदर किसका चेहरा याद आता है, इस वक्त सबसे बड़ा सेलिब्रिटी हमारे लिए सलमान खान ही है, क्योंकि उनकी बहुत चलती है बॉलीवुड के अंदर। तो आपको पता है कि वो मैरी नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो यहाँ से आपको आसानी से याद आ जाएगा। अगला वर्ड है हमारे पास डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है टू कोज ट्रूप्स टू स्प्रेड आउट फॉर बैटल, मतलब अपने सैनिकों को बैटल के लिए तैयार करना। तो ये आसान वर्ड है, ये आप ऐसे ही याद कर जाएगा। अगला वर्ड है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब है पार्ट ऑफ कंट्री बिहाइंड कोस्ट और रिवर। तो मतलब कंट्री का ऐसा पार्ट जो किसी किनारे या रिवर के पार है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हिंटरलैंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो एंड में लैंड है और बीच में इंटर है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लैंड तो लैंड हो ही गया, और जो इंटर है, जैसे मूवी के बीच में इंटर आता है, इंटरवल आता है, और इंटरवल के बाद दूसरी मूवी आती है, मतलब एक पहले पार्ट चलता है उसके बाद सेकंड पार्ट चलता है, मतलब बीच में इंटरवल होता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि लैंड के बीच में इंटर है, मतलब बीच में थोड़ा गैप है, और उसके बाद कोई कोस्ट और रिवर है, उसके पीछे लैंड है। तो आप इसको यहाँ से इंटरलैंड को याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आता है मर्टिर। मर्टिर का मतलब होता है शहीद, जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है देश की रक्षा के लिए। तो ये आसान है, इसके अंदर आप स्टार्टिंग में देखेंगे MAR आ रहा है मर, तो मर से आप याद रख सकते हैं कि वन हु सेक्रीफाइस, जो अपनी
जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है देश के लिए, जो मर जाता है, शहीद हो जाता है। शहीद वर्ड ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो अगला वर्ड है हमारे पास मैस्क्यू। अब मैस्क्यू के अंदर इसका मतलब होता है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। मैस्क्यू को आप कैसे याद रख सकते हैं? मैस्क्यू को अगर आप एम हटा दें तो ए एस क्यू यू ई को आप आशिकी पढ़ सकते हैं, और आशिकी के अंदर सब क्या होता है? ड्रामा होता है, ड्रामा परफॉर्मेंस होती है, सब एक दूसरे के साथ ड्रामा, ज़्यादातर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस करते हैं इसके अंदर, कोई रियल नहीं होता, बहुत कमी होते हैं जो रियल होते हैं। ओके, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब अगली सीरीज पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास आता है अ गोल्डन मील, अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन मतलब होता है एक मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीमीज, मतलब कोई बीच का रास्ता, दो मुसीबतों के बीच एक कोई एक रास्ता। तो इसका मतलब बहुत आसान है कि आप इसको एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत कॉमन वर्ड है, इसके अंदर कुछ बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है फीलिंग इन माई गट। फीलिंग इन माई गट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। तो फीलिंग इन माई गट को आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको जब आप पढ़ेंगे फीलिंग इन माई गट, तो आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि मैं जो फील कर रहा हूँ अपने गट्स के अंदर, कुछ फील कर रहा हूँ कि मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट आ रही है। तो जैसे आप ये पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, इसमें भी कुछ बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है नॉट वेल, मतलब कि आप अपने आप ठीक नहीं है, आपकी तबीयत जो है ख़राब है। यू आर आउट ऑफ योर सॉर्ट्स, सॉर्ट्स मतलब अपनी तबीयत से ख़राब हैं आप, तो नॉट वेल इसका मतलब हो गया। अगला वर्ड आता है सेट अबाउट। अब सेट अबाउट का मतलब होता है टुक स्टेप टूवर्ड्स। तो इसके अंदर आप याद रख सकते हैं कि आप सेट हो रहे हैं अबाउट कहीं जाने के लिए, कोई स्टेप ले रहे हैं, तो टुक स्टेप टूवर्ड्स, कहीं जाने के लिए कोई स्टेप ले रहे हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। तो इसके अंदर आप इसको याद रख सकते हैं, पी ई एन को अलग पढ़िए और चंट को अलग रखिए। अब देखेंगे इसके अंदर आप याद रख सकते, इसको याद रखेंगे कि जो हमारे पास पेन है वो बहुत चंट है, पेपर में हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही पेन चलने लग जाता है पेपर के अंदर, जिसका भी पेपर होता है अपने आप ही ये चलने लग जाता है, ये बहुत चंट पेन है। तो आपको उसके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसके प्रति झुकाव होगा, फॉन्डनेस होगी उसके लिए, उस पेन के लिए, क्योंकि वो पेन बहुत चंट है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा इसका मतलब, अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, बहुत फॉन्डनेस है आपको उसके लिए। अब अगली सीरीज़ पे हम आते हैं। अगला हमारे पास आता है स्टिकलर। जो स्टिकलर का मतलब होता है पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, कोई बंदा जो किसी चीज़ के ऊपर बहुत जोर डाले करने के लिए। तो इसके अंदर आप इसको याद रख सकते हैं स्टिक और लड़ से। तो आपके पास एक स्टिक है और आप उसके साथ लड़ने चले गए हैं, और आप अपने दोस्तों को इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसके साथ, कि अपने साथ ले जाने के लिए, लड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। तो इस आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास आता है रनिंग डाउन। रनिंग डाउन का मतलब होता है स्पीकिंग इल। तो स्पीकिंग इल, तो इसके अंदर आप ये रख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, भागते 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 आप डाउन हो गए, जो आपकी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, आप बीमार हो गए, तो आप बीमार पड़ गए, स्पीकिंग इल। ओके, कम अराउंड। अब जो कम अराउंड है इसका मतलब होता है रिकवर्ड। तो आप इसमें ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपने किसी के साथ एक मैच लड़ाई का खेला और उसके अंदर आप सब हार गए, और आप कह रहे हैं उसको कि कम अराउंड, एक राउंड और आ जा और मैं सब रिकवर कर लूँगा, मैंने जो भी हारा है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं इस लाइन के थ्रू, वैसे आपको एक बार इमेजिन करना है। अगला वर्ड आता है इन क्लोवर। इन क्लोवर का मतलब होता है इन लग्जरी। तो जो लवर होते हैं वो अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं, लग्जरी से लग्जरी थिंग। तो इसको आप सी को हटा देंगे तो लवर से याद रख सकते हैं, लवर इन लग्जरी। अगला वर्ड आता है हमारे पास पासिस फोर। पासिस फोर का मतलब होता है अज्यूम्ड टू बी। तो इसको आप याद रख सकते हैं, इसको आप इमेजिन करिए कि एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा कि मैम क्या मैं फेल हूँ या पास हूँ। तो मैम ने कहा कि तुम मान लो कि तुम पास हो। तो यहाँ पे मान लो का मतलब क्या हो गया,
अज्यूम्ड, अज्यूम टू बी दैट यू आर पास्ट। तो यहाँ से आप याद इसको कर सकते हैं कि पास इज़ फोर का मतलब हो गया अज्यूम टू बी, अज्यूम टू बी, समझो तुम पास हो। ओके तो जैसे कि स्टूडेंट्स देखा आपने, मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम फ्रेसिस लाया सीरीज़ के अंदर। अब मैं कोशिश करूँगा कि कल आपके लिए दोबारा एक वोकेबलरी लेके आऊँ, वोकेबलरी का राउंड फिर से कल से कंटिन्यू करूँ। आज मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया था, कल मैं आपसे फिर से वोकेबलरी डालने लग जाऊँगा इसके ऊपर रेगुलरली। तो एट लास्ट आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और मोर से मोर वीडियोज़ इस पर डाल सकूँ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद द चैनल। ओके।